पूरा उत्तर प्रदेश जिस वक्त कोरोना की भयानक महामारी और इस महाविपत्ति की चपेट में है, बहनों भाइयों ठीक इसी वक्त उत्तर प्रदेश की लीडरशिप में बैठे हुए पॉलिटिशियंस यहां पर घोटाला और घपला कर रहे हैं, आपका पैसा खा रहे हैं, आपके हक में खरीदे जाने वाले मेडिकल उपकरणों में बेईमानी कर रहे हैं, आपके साथ धोखा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में तल्लीन है। उत्तर प्रदेश में सभी ग्राम पंचायतों में, सभी नगर निकायों में, सभी नगर निगमों में पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर्स और दूसरे मेडिकल उपकरणों की खरीद की गई, इसलिए ताकि अगर गांव ग्रामीण में कोरोना फैलता है तो उसकी जांच की जा सके, चिन्हित किया जा सके। तो आपदा में बहुत से लोगों ने अवसर तलाश लिया, 5,000 का किट किसी ने 10,000 में खरीदा, किसी भाई साहब ने 15,000 में खरीदा और किसी कलेक्टर महोदय ने 20,000 में खरीद लिया। और ऐसी ऐसी कंपनियों को दिया गया ठेका पल्स ऑक्सीमीटर बेचने का, कोई कंस्ट्रक्शन के काम में है, कोई पंचर बनाती है, किसी के एक कमरे का मकान है, कोई गल्ले की दुकान खोले हुए है, कोई कुछ काम नहीं करता है, कोई चाय की दुकान में कंपनी का एड्रेस दिया गया और कई कई कंपनियां कॉलेजेस में चल रही हैं, स्कूल कॉलेजों में। भयानक घोटाला है और ये महापाप है। आप कल्पना कर सकते हैं, जब लोग जीवन के लिए परेशान हो, लोगों की जिंदगी पर बात बनाई हो, लोग भूखे हों, परेशान हो, इस विपत्ति ने जीवन बर्बाद कर दिया हो, उस वक्त आप घोटाला करते हैं, शर्म नहीं आती है? विपत्ति में मदद की जाती है कि उसको लूटा जाता है? लानत है ऐसे लोगों पे जो इस तरह के भ्रष्टाचार में तल्लीन हो। अरे एक एक रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं, आपको पता है 2,000 किलोमीटर लोग अपने गठरी लाद के, अपने परिवार को लाद के पैदल चल के गाँव तक पहुँचे हैं, आप उनके साथ भ्रष्टाचार कर रहे हो? उनके साथ कर रहे हो जो दो वक्त की रोटी के लिए परेशान है? उनके लिए कर रहे हो जो पढ़े लिखे होने के बाद फावड़ा चला रहे हैं? उनके हक का पैसा मार रहे हो? शर्म नहीं आती है? किस प्रकार की ये व्यवस्था है, कैसा सिस्टम है ये, और ये नौकरशाही पर निर्भरता कैसी है? इसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो रही थी? कितने मैसिव स्केल पर परचेज हो रही है तो कौन देखेगा इसको? किस बात के लिए मीटिंग्स होती थी? क्या रिव्यू कमेटी कर रही थी? नोडल ऑफिसर्स क्या कर रहे थे? जिस वक्त लोगों की मदद में आगे आना चाहिए, आप उनका पैसा लूट ले रहे हो। कहां लेकर जाओगे ऐसा पैसा, कहां रखोगे ऐसा पैसा? गरीबों की आह बहुत बुरी होती है और ऐसे लोग याद कर लें कि जो अगर विपत्ति में गरीबों को लूटा है, ये पैसा तुम्हें कभी फलेगा नहीं, ये सड़ांध की तरह फूटेगा और जिंदगी भर तुम्हारा पीछा करेगा, सवाल पूछेगा तुमसे, तुम्हारी पीढ़ियों से सवाल पूछेगा, तुमसे सवाल पूछेगा, तुम्हारे बच्चों से सवाल पूछेगा, गरीब का पैसा मारने वालों से। इस महामारी में महाघोटाला, पूरा उत्तर प्रदेश जिस वक्त कोरोना की भयानक महामारी और इस महाविपत्ति की चपेट में है, बहनों भाइयों ठीक इसी वक्त उत्तर प्रदेश की लीडरशिप में बैठे हुए पॉलिटिशियंस यहां पर घोटाला और घपला कर रहे हैं, आपका पैसा खा रहे हैं, आपके हक में खरीदे जाने वाले मेडिकल उपकरणों में बेईमानी कर रहे हैं, आपके साथ धोखा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में तल्लीन है। उत्तर प्रदेश में सभी ग्राम पंचायतों में, सभी नगर निकायों में, सभी नगर निगमों में पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर्स और दूसरे मेडिकल उपकरणों की खरीद की गई, इसलिए ताकि अगर गांव ग्रामीण में कोरोना फैलता है तो उसकी जांच की जा सके, चिन्हित किया जा सके। तो आपदा में बहुत से लोगों ने अवसर तलाश लिया, अधिकांश जिलों के कलेक्टर्स ने इस भ्रष्टाचार में पूरा का पूरा तल्लीन रहे हैं। हर ग्राम पंचायत में इसकी खरीद हुई, 5,000 का किट किसी ने 10,000 में खरीदा, किसी भाई साहब ने 15,000 में खरीदा और किसी कलेक्टर महोदय ने 20,000 में खरीद लिया। दो तीन प्रश्न मेरे खड़े होते हैं कि जब पूरे प्रदेश में तकरीबन 1,00,000 ग्राम पंचायतें हैं और इतनी बड़े पैमाने पर खरीद हो रही थी, इस पर कोई कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट नजर क्यों नहीं रख रहा था, सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो कि जब इस पर खरीद हो रही थी उस वक्त इसके लिए इसके मूल्य निर्धारित क्यों नहीं किए गए? राज्य और केंद्र सरकार के जो मेडिकल उपकरण खरीदने की एजेंसियां हैं उनके मानकों के मुताबिक खरीद क्यों नहीं हुई? जेम पोर्टल से खरीद क्यों नहीं हुई जिसका शासनादेश है उत्तर प्रदेश में? मनमाने तरीके से जिला अधिकारियों ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का दुरुपयोग करके, जिनमें सर्वाधिकार निहित होते हैं जिला अधिकारियों में, भयानक खरीद कराई, ग्राम प्रधानों को धमकाया, सेक्रेटरीज को धमकाया, अब भी करो पेमेंट। ये मेडिकल उपकरणों का निकला है बहनों भाइयों, अभी तो न जाने कितने घपले कोरोना काल में भाई लोगों ने किए, अभी सामुदायिक किचन के मामले सामने आए, अभी कोरोना के हॉस्पिटल अधिग्रहण करने के नाम पर क्या खेल हुआ है, इसके घोटाले घपले बाकी हैं। कोरोना के नाम पर होटल, 5-स्टार होटल, 3-स्टार होटल, गेस्ट हाउस के नाम पर क्या खेल हुआ है, उसके मसले भी सामने आएंगे।